징구 지구기. अगली सुबह पूरा महल मेहमानों से भर गया। हर तरफ खुशी और मस्ती की लहर थी। बलराम, कृष्ण, दुर्योधन, शकुनी और बाकी सब वहां मौजूद थे। और कितना समय चाहिए तैयार होने के लिए? जल्दी चलिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सर रुको, राजकुमार को बहुत मजा आने वाला है। मुझे खुद को तैयार करने दो। मजा आने वाला है? मैं कुछ समझी नहीं। सही वक्त पर सब समझ जाओगी। चलो चलते हैं। वो दोनों उस कमरे में गए जहाँ शादी की रस्में चल रही थी। हमारे राजकुमार बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम ठीक कह रहे हो मेरे बच्चे। बेटा, तुम्हें हमारे रिवाज तो पता है ना? जी पंडित जी, मुझे पता है। शशि रेखा जाकर लक्ष्मण के बाजू में बैठ गई। मैं कहूँगा तुम्हें क्या करना है। सबसे पहले चावल से आशीर्वाद दे दो। लक्ष्मण जैसे ही उसे आशीर्वाद देने जा रहा था, तभी शशि रेखा ने अजीब सी शक्लें बनाना शुरू कर दिया। लक्ष्मण चौंक गया। मैं अजीब सी शक्लें देख रहा हूँ या ये कोई सपना है? उसने अपनी आंखें बंद की और फिर उसे सब सही दिखा। आह, शायद सपना ही था। फिर से जब वो आशीर्वाद देने गया तो उसे शेर का चेहरा दिखा। अयो, बचाओ बचाओ। वो शकुनी की ओर भागा। सब लोग चौंक गए। क्या हो गया बेटा? शेर, शेर, शेर? कहाँ है शेर? वहाँ है, वहाँ खूंखार शेर है। लक्ष्मण ने शशि रेखा की ओर इशारा किया। सुनिए पिताजी, यहाँ चल क्या रहा है? मुझे भी नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। जाओ, बेकार की बातें मत करो। लक्ष्मण ने हिम्मत जुटाई और फिर से शशि रेखा के पास जाकर बैठ गया। तुम डर क्यों रहे हो? वो सिर्फ एक लड़की है, जाओ आशीर्वाद दो। मैं डर नहीं रहा हूँ पंडित जी। इस बार जब वो आशीर्वाद देने गया तो शशि रेखा भालू का रूप ले लेती है। ये देखकर लक्ष्मण बेहोश हो जाता है। उम्मीद है तुम हमारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही। कृष्णा, तुम क्या कहते हो? भैया, फिक्र मत कीजिए। इन्होंने पहले पांडवों को धोखा दिया और अब ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं। चलो सच का पता लगाएं। ये एक जादुई मेज है जो सच का पता लगा लेगी। जो भी इस पर खड़ा होगा वो सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं। फिर मैं ये चाहता हूँ कि शकुनी जी इस पर खड़े रहे और वो बताए जो सच है।